यहाँ से राधा रानी मंदिर अभी 1.5 किलोमीटर है। देख लीजिए कैसा दिन हुआ है। चलिए अब गेट पर पहुंच गए, अब चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं राधे रानी का घर। देख लीजिए कुछ ऐसा है। अब चलते हैं अब अंदर, देख लीजिए जय श्री राधे। यहाँ पर सब पैर लगते हैं और उसके बाद चलते हैं आगे। अभी 1 किलोमीटर अंदर है। हाँ देख लीजिए सामान वामान सब मिलता है, आपको खाने पीने का जो भी आपको सामान चाहिए यहाँ पर मिल जाएगा। देख लीजिए घर भी कितना अच्छा रंगा हुआ है। यहाँ से आप जा सकते हैं, देखिए यहाँ पर दुकान भी लगा हुआ है, पूजा का सामान लेना चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो मंदिर के पास भी ले सकते हैं। देख लीजिए चुनरी उनरी सब। चलिए मैं आपको पूरा दिखाऊंगा रास्ते में भी क्या क्या पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा, आपको आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लीजिए यहाँ पर मुहूर्त में मिलती है, देख लीजिए यहाँ राधा रानी के। चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कुछ। देख लीजिए पूजा करके आ रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर कुआं भी दिखा देता हूँ आपको, जो कुआं यहाँ पर बना हुआ है। देख लीजिए पानी कैसे पहले खींचा जाता था। मंदिर के पास ही है एक कुआं, आप आए तो यहाँ पर भी एक बार दर्शन जरूर कर लें। चलिए देखता हूँ एक और मंदिर है उसे भी आपको दिखाता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर पानी का भी व्यवस्था है तो आप पानी भी भर सकते हैं यहाँ पर, ठंडा पानी। बोलो जय श्री राधे। दुकान यहाँ पर लगा हुआ है, मूर्त देख लीजिए सब श्री कृष्ण की मूर्त लगा हुआ है यहाँ पर। राधा रानी का मंदिर बरसाना में स्थित है जिसमें 250 बस सीढ़ियाँ है जिसे चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है राधा रानी का दर्शन के लिए। अब आ गए मंदिर पे, अब चलते हैं ऊपर राधा रानी के मंदिर में दर्शन करते हैं और आपको भी दिखाता हूँ राधा रानी का मंदिर कैसा लगता है अंदर। आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा जो भी अंदर होगा, अभी तो बहुत ऊपर है तो उस पर चढ़ना है। यहाँ पर भी देख लीजिए पूजा का सामान मिल रहा है, अगर आपको प्यास लग जाता है तो आपको यहाँ से भी पानी पी सकते हैं, मटके का पानी है ठंडा एकदम मिलेगा। देख लीजिए लोग कितना भीड़ लगा हुआ है यहाँ पर राधा रानी का मंदिर में, लोग दर्शन करके जा भी रहे हैं और रहा भी रहे हैं। यहाँ पर भी होटल है तो खाना खाना चाहें तो यहाँ पर भी खा सकते हैं। अभी 50 ही सीढ़ियाँ चढ़े हैं, इतना ही ऊपर आकर थक चुके हैं। चलिए थोड़ी देर रुकते हैं उसके बाद चलते हैं ऊपर। यहाँ पर पहाड़ पर बने हुए हैं राधा रानी का मंदिर एकदम ऊपर टॉप पे। चलिए अब ऊपर भी चलते हैं, यहाँ पर भी सामान लेने के लिए कह रहे हैं तो हम लोग ऊपर से ही सामान ले लेंगे पूजा के लिए। देख लीजिए नीचे दिखा देता हूँ, इतना ऊपर आ चुके हम लोग। अब चलते हैं ऊपर, देख लीजिए चारों ओर दिखा देता हूँ आपको, आप आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर पूरा रास्ता ही दिखा देता हूँ किधर से आपको जाना है किधर से नहीं। देख लीजिए पहाड़ भी काट कर इसे रास्ता बनाया गया है। बोलो जय राधे। जय राधे। देखिए स्टाइल मार रहा है वाचकुंडे, वाह वाचकुंडे वाह। चलिए अभी ऊपर चलते हैं, अभी कितना ऊपर जाना है, अब लगता है पहुंच गए हैं। बोलो जय राधे। जय राधे। बोलो जय राधे। बोलो जय राधे। यहाँ से लेंगे पूजा का सामान, अभी उतना ऊपर है। देख लीजिए वहाँ पर मंदिर दिख रहा है, वहाँ पर है अभी मंदिर, अभी और ऊपर चलना है हम लोगों को। इधर भी दिखा देता हूँ, चारों ओर दिखा देता हूँ आपको। देख लीजिए मंदिर सामने दिख रहा है। अब चलिए फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं। यहाँ देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, ऊपर चढ़ के थक चुके हैं,
उसके बाद चलते हैं पूजा का सामान लेते हैं। और आपको देख लीजिए, पहले व्यू देखिए कैसा आ रहा है यहाँ से, ऊपर से एकदम एकदम खतरनाक। चलिए अब पूजा का यहाँ से सामान लेते हैं और अंदर चलते हैं। देख लीजिए मंदिर को भी दिखा देता हूँ एक बार कि कैसे बाहर से दिखता है। लोग यहाँ पर सेल्फी भी ले रहे हैं। अब चलते हैं अंदर, मंदिर के अंदर चलते हैं, राधा रानी का दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं यहाँ। बोलो जय राधे। एक बार फिर से मंदिर को दिखा देता हूँ कि कैसा दिख रहा है। देख लीजिए चारों ओर घुमा देता हूँ आपको। बरसाना में ही राधा रानी रहा करती थी, यहीं पर इनका जीवन का शुरुआत हुआ। इस समय मौसम भी बहुत तगड़ा हुआ है। अब चलते हैं ऊपर, अभी और ऊपर जाना है। राधा रानी एकदम ऊपर, यहाँ पर घूमकर मज़ा आ गया। अभी तो मेन चीज़ बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो राधा रानी का दर्शन अभी करना बाकी है। देखिए अब ऊपर चलते हैं, यहाँ पर सीढ़ी देखिए, यहाँ पर आकर आप यहाँ पर आराम भी कर सकते हैं। सीढ़ी को देख लीजिए कितना सजाया गया है राधा रानी के पास जाने के लिए। यहाँ पर फ़ोटो लेने वाले भी हैं, आप चाहिए तो फ़ोटो भी ले सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करवा सकते हैं। एक बार फिर बोलो जय राधे। जय राधे। चलिए अब ऊपर चलते हैं, नीचे एक बार दिखा देता हूँ आपको कितनी भीड़ है। आप चलिए अब अंदर निकलें। अगर आप भी आए बरसाना में तो आप राधा रानी का मंदिर एक बार जरूर यहाँ पर घूमें। देख लीजिए अब अंदर आ चुके हैं राधा रानी के मंदिर में एकदम। देखिए अब राधा रानी का मंदिर आपको दिखाता हूँ अंदर से कैसे दिखती है राधा रानी का मंदिर। देख लीजिए श्री राधे। अभी आपको पास में भी जाकर दिखाऊंगा, देख लीजिए कितना भीड़ है अभी अंदर। बाहर तो दिखाया है कितना भीड़ था, अंदर भी दिखा देता हूँ कितना भीड़ है। अब देख लीजिए यहाँ पर झूमर उमर लगा हुआ है, एकदम सजावट किया गया है, और अच्छा लगता है। देख लीजिए कितना भीड़। अब चलता हूँ और देखता हूँ, कुछ और दिखाने वाला होगा तो आपको दिखाऊंगा। देख लीजिए बाहर दिखा देता हूँ, यहाँ पर बाबा बैठे हुए हैं, तो आप चाहें तो कुछ पूछ सकते हैं बाबा से, श्री कृष्ण मंदिर के बारे में पूछ सकते हैं, आप जो भी पूछना चाहते हैं उनसे। यहाँ पर इतना भीड़ है कि गुम हो गए तो मिले वही नहीं। देख लीजिए कितने लोग यहाँ पर है। एक बार आपको आवाज़ भी सुनाऊंगा कितना यहाँ पर शोर है, कितने लोग। देख लीजिए यहाँ पर भी शेर कम बना हुआ है। और आगे चलता हूँ और देखता हूँ, कुछ दिखाने वाला होगा तो आपको दिखाऊंगा। एक बार फिर बोलो जय श्री राधे। देख लीजिए यहाँ पर चुनरी भी बांधे हुए हैं, देख लीजिए यहाँ पर। और देख लीजिए मौसम, देख लीजिए कितना खतरनाक हुआ है। धूप से तो धूप इतना ज़्यादा है तभी लोग इतने ज़्यादा भीड़ में संख्या में। चलिए एक मंदिर देखिएगा, इसे भी दिखाता हूँ। देख लीजिए सामने मंदिर, उसे भी जूम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ उस मंदिर को भी। देखेंगे वहाँ पर भी जाएंगे तो वहाँ का भी वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगा कि वहाँ पर किस चीज़ की मंदिर है। देख लीजिए अंदर एक बार और आ चुका। अब चलिए श्री राधे कृष्ण का मंदिर आपको दिखाता हूँ, राधा रानी का मंदिर। देख लीजिए अभी पास में चलता हूँ, देख लीजिए कितना भीड़ है यहाँ पर। अभी पास में नहीं गए हैं हम लोग। बोलो फिर जय श्री राधे। अब चलते हैं पास में और दिखाने की कोशिश करता हूँ पास से आपको। देख लीजिए पास में भी कुछ ऐसे दिखते हैं। श्री राधे, बोलो जय श्री राधे। अब चलते हैं नीचे और देखते हैं, आप कुछ और दिखाने वाला होगा तो आपको दिखाऊंगा। उस मंदिर पे भी जाएंगे तो आपको दिखाऊंगा। देख लीजिए आगे भी ब्लॉगिंग कर रहा है। अच्छा भाई अब फिर मिलते हैं, अब कृष्ण जन्मभूमि पर मिलेंगे हम लोग आपसे। एक बार प्रेम से बोलो जय।